रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 अगले शुक्रवार यानी 28 दिसंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन ट्विटर पर एक अनाम अकाउंट से फिल्म का पहला रिव्यू डाल दिया गया है। इस अकाउंट को इंदौर के एक डिस्ट्रीब्यूटर का बताया गया है, लेकिन उसने गुजारिश की है कि बार बार उसका नाम और पता ना पूछा जाए, वो बस फैंस को थोड़ी जानकारी देने के लिए ट्विटर पर है। सबसे पहले तो इस अकाउंट पर एक पिन पोस्ट है जिसकी माने तो 2.0 को ठोक कर सलामी देनी चाहिए, फिल्म इतनी बेहतरीन है। साथ ही इस अकाउंट के व्यक्ति ने कहा कि टक्स ऑफ हिंदुस्तान ने उन्हें जितना भी नुकसान हुआ है यकीनन 2.0 के साथ पूरा हो जाएगा, फिल्म ने ना चलने के कोई चांस नहीं है। साथ ही केदारनाथ की चिंता करते हुए डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि अब मुझे केदारनाथ के लिए डर लग रहा है, क्योंकि अगर 2.0 टिक गई तो केदारनाथ को खा जाएगी। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि 2.0 को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। अगर भारत की जनता ये फिल्म नकार देती है तो फिर भारतीय सिनेमा में कोई भी इतना बड़ा रिस्क उठाने की हिम्मत दोबारा नहीं करेगा। फिल्म की पूरी टीम को मेरा सलाम, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग लगा देगी, बॉक्स ऑफिस पर तूफान आने वाला है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमारे साथ शेयर करें आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बॉलीवुड से जुड़े ऐसे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्पीडी न्यूज़।